this pressure. नमस्कार, अब मैं आपको कोई कविता नहीं सुनाती, एक तमाशा दिखाती और आपके सामने एक मजमा लगाती हूँ। ये तमाशा कविता से बहुत दूर है। दिखाओ साहब, मंजूर है? थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, आपने हाँ कही। आप बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे श्रोता हैं और तमाशबीन भी खूब है। आप देखिए, मेरे हाथ में ये तीन टेस्ट ट्यूब है, कहाँ है? गौर से देखिए, ध्यान से देखिए, मन की आंखों से देखिए, कल्पना की पांखों से देखिए, देखिए यहाँ है। क्या कहा, उंगलियां हैं? नहीं नहीं, इन्हें उंगलियां मत कहिए, तमाशा देखते वक्त दरिया दिल रहेंगे। आप ही तो मेरे रहनुमा हैं, पाठक हैं और इस देश के महबूब हैं। अब बताइए क्या है? तीन टेस्ट ट्यूब है। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, आपने इन उंगलियों को टेस्ट ट्यूब बताया। अब बताइए इनमें क्या है, बताइए बताइए इनमें क्या है? अरे आपको क्या हो गया है? टेस्ट ट्यूब दिखती है, अंदर का माल नहीं दिखता है, आपके भोलेपन में भी अधिकता है। खैर छोड़िए, ए भाई साहब, अपना ध्यान ही दीजिए। चलिए मुद्दे पर आती हूँ, मैं ही बताती हूँ, इनमें खून है। हाँ भाई साहब, इनमें खून है, तभी तो आज इस समाज का बेड़ा गर्क है। लोगों में शांत नहीं रहता, उबलता है, धधकता है, फूट पड़ता है, फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता तो अचानक क्यों विधवाएं ना होती? फर्क पर पड़ता तो अचानक क्यों विधवाएं ना होती? और दोस्तों, डर मत जाना, अगर डरा दूं, मान लो मैं इन्हीं किसी मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे के सामने गिरा दूं, तो है कोई माइकलांग जो फर्क बता दे? है कोई पंडित? है कोई ग्रंथी जो गुत्थियाँ सुलझा दे? फर्श पर बिखरा पड़ा है पहचान, बताइए कौन सिख, कौन खान, कौन मलखान, बताइए। अभी फोरेंसिक विभाग